सुप्रभात, मैं विकास मेहरा, व्याख्याता हिंदी, आर्य उच्च माध्यमिक विद्यालय छानीबड़ी। आज हम कक्षा 6 से लेकर 10 तक हिंदी व्याकरण जो है उसमें एक बिंदु, एक प्रकरण जिसका नाम है विशेषण, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विशेषण जो शब्द है, विशेषण जो शब्द है उस शब्द का हम जानते हैं उसका शाब्दिक अर्थ। सबसे पहले विशेषण जो शब्द है उस विशेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ये विशेषण जो शब्द दिया गया है इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो है विशेषता। क्या है शाब्दिक अर्थ विशेषण का? विशेषता, कि विशेषण जो शब्द है उस शब्द का शाब्दिक जो अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ है विशेषता। अब उसके बाद हम पहुंचते हैं इसकी परिभाषा पर, कि विशेषण जो है उस विशेषण की परिभाषा क्या है। अब ऐसे शब्द, कि ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में, कि ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में दो संज्ञा या सर्वनाम, कि जो शब्द किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम, इन दोनों में से किसी एक की, कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को, किसको? विशेषता को क्या करे? प्रकट करे। कि जो शब्द किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे तो वो जो शब्द है वो शब्द क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। कि जैसे हमने लिखा सफेद गाय, हमने लिखा सफेद गाय। अब गाय जो है ये एक संज्ञा शब्द है, हम सभी जानते हैं कि गाय जो है वो एक संज्ञा शब्द है। और कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। तो ये क्या है? संज्ञा शब्द। और ये सफेद जो है ये इसका क्या है? रंग। क्या है ये? रंग। रंग होने के कारण कहने का मतलब ये है कि ये इसकी क्या है? विशेषता है। क्या है इसकी? विशेषता। तो विशेषता होने के कारण, कि विशेषता होने के कारण ये जो है वो क्या है? विशेषण है। तो कहने का अभिप्राय कि जो सफेद जो शब्द दिया गया है वो सफेद शब्द क्या है? विशेषण है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो शब्द किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे तो वो जो शब्द है वो शब्द क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। उसके बाद में अगला जो बिंदु है वो है विशेष्य। क्या है? विशेष्य, कि दो चीजें, एक विशेषण और दूसरा विशेष्य, कि उन इन दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। क्या होता है? दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है, इसलिए इस विशेष्य को जानना बहुत ही जरूरी है। अब विशेषण जो है वो क्या कार्य करता है? कि विशेषण जो है वो क्या कार्य करता है? कि ये विशेषता प्रकट करने का कार्य करता है। कि विशेषण जो है वो कौन सा कार्य करता है? विशेषता प्रकट करने का कार्य करता है। अब विशेषता किसी न किसी की अवश्य बताई जाती है। किसकी बताई जाती है? किसी न किसी की अवश्य बताई जाती है। हम परिभाषा में ये पढ़ चुके हैं कि विशेषण जो है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि विशेषता किसकी बताई जाती है? या तो संज्ञा, दूसरा क्या है? सर्वनाम। तो वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम, कि वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम जो है वो संज्ञा या सर्वनाम ही क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। अब कहने का अभिप्राय ये है कि दिया गया विशेषण जो शब्द है, कि दिया गया विशेषण जो शब्द है वाक्य में जिसकी क्या चीज बच्चों, कि जिसकी विशेषता को प्रकट करता है वही क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं उसके प्रकार पर। कहां पहुंचते हैं हम? उसके प्रकार पर। विशेषण के मुख्य रूप से मुख्य जो है वो चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? चार। पहला हमने लिखा गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण,
और चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक। विशेषण के मुख्य चार प्रकार होते हैं, पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा है सार्वनामिक। इसको छोड़कर विशेषण के दो अन्य भेद भी होते हैं जिनके संदर्भ में हम पढ़ेंगे। कहने का मतलब पांचवा जो भेद है वो होता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक विशेषण। उसके बाद में इसका क्रमांक छह जो है वो है भिन्नतावाचक विशेषण। तो कहने का अभिप्राय ये है कि मुख्य मुख्य जो भेद होते हैं वो मुख्य भेद चार होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। इसके अलावा इसके दो अन्य भेद भी होते हैं, व्यक्तिवाचक और भिन्नतावाचक। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं पहला गुणवाचक। अब हमें पता है कि विशेषण जो है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है। अब पहला जो प्रकार है इसका जो दिया गया है गुणवाचक। गुणवाचक में क्या होता है कि दी गई वाक्य में दी गई संज्ञा या फिर कहने का अभिप्राय ये है कि सर्वनाम, कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम है तो उस संज्ञा या सर्वनाम के उसके गुण, दोष, रूप, रंग, आकार। क्या लिखा कि गुण, दोष, रूप, रंग, आकार या फिर स्वभाव या फिर दशा। कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव या दशा संबंधी विशेषता को प्रकट करने वाला जो विशेषण है वो विशेषण क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। एक बार फिर से देखिएगा कि वाक्य में जो संज्ञा या जो सर्वनाम है उसके गुण, दोष, रूप, स्वभाव, रंग, आकार या दशा संबंधी विशेषता को प्रकट करने वाला जो विशेषण है वो विशेषण क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। एक एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं कि जैसे लिखा कि सफेद गाय मीठा दूध देती है। क्या लिखा है वाक्य कि सफेद गाय मीठा दूध देती है। तो सफेद क्या हो गया गाय का रंग और ये मीठा क्या हो गया उसका क्या हो गया स्वाद। तो ये दोनों जो शब्द इस वाक्य में दिए गए हैं सफेद और मीठा, तो एक जो शब्द है वो रंग और दूसरा स्वाद संबंधी किसको प्रकट कर रहा है, किसको प्रकट कर रहा है विशेषता को। तो कहने का अभिप्राय ये है कि सफेद और मीठा जो जो दोनों जो शब्द है वो दोनों शब्द विशेषण का जो पहला जो प्रकार है जो हमने लिखा है गुणवाचक विशेषण उसके क्या है, उसके क्या है उदाहरण। तो कहने का मतलब ये है कि पहला जो प्रकार उसमें दी गई संज्ञा या सर्वनाम उसके गुण, दोष, रूप, रंग, आकार और स्वभाव या फिर दशा संबंधी विशेषता को प्रकट करने वाला जो विशेषण जो है वो विशेषण क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अब हम पहुंचते हैं इसके दूसरे प्रकार पर जिसका नाम है संख्यावाचक विशेषण। देखिए संख्या का एक ही कार्य है कि संख्या जो है वो इसके काम आती है, कि संख्या जो है वो सिर्फ गणना के काम आती है, कि संख्या से सिर्फ हम गणना कर सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि संख्यावाचक जो विशेषण है वो वाक्य में संज्ञा या फिर हम पढ़ चुके हैं कि संज्ञा या सर्वनाम। तो संज्ञा या सर्वनाम की दो प्रकार की, या तो निश्चित हो या फिर इससे पहले ए जुड़ जाएगा, कहने का मतलब अनिश्चित। कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले जो विशेषण है वो विशेषण क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पर हमने दो बातें लिखी हैं, एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। तो कहने का अभिप्राय ये है कि संख्यावाचक जो विशेषण है उसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, दो। पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित जो संख्यावाचक जो विशेषण है उसमें संज्ञा या सर्वनाम की जो संख्या है वो क्या होती है, निश्चित होती है। कहने का अभिप्राय ये है
कि इसमें संज्ञा या सर्वनाम की जो संख्या है वो क्या होती है, निश्चित होती है। कि जैसे हमने एक उदाहरण लिखा कि घर में चार आदमी सो रहे हैं, उदाहरण लिखा हुआ है कि घर में, ये वाक्य लिखा हुआ है कि घर में चार आदमी सो रहे हैं। तो आदमी क्या चीज है, आदमी क्या है, संज्ञा है, और इस संज्ञा से पहले क्या दिया हुआ है, चार। चार क्या है, एक संख्या है, और संख्या क्या है, निश्चित है। संख्या क्या है, निश्चित। तो कहने का अभिप्राय ये है कि चार जो वो क्या है, संख्या है, और संख्या कौन सी है, निश्चित है। तो इसलिए ये चार जो शब्द जो लिखा हुआ है, ये इसका दूसरा जो प्रकार कौन सा, संख्यावाचक, और उसका पहला जो उपभेद है, जिस उपभेद जो है जो हमने लिखा है निश्चित संख्यावाचक, उसका क्या है, उदाहरण है। अब हम पहुंचते हैं दूसरे इसके उपभेद पर जो लिखा हुआ है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम जो है उसकी जो संख्या है वो अनिश्चित रहती है, यानी निर्धारित जो संख्या है उसके बारे में हमें पता नहीं चलता। कि जैसे हमने लिखा कि कई आदमी काम पर जा रहे हैं, एक वाक्य लिखा हुआ है कि कई आदमी काम पर जा रहे हैं। आदमी क्या है, आदमी क्या है, संज्ञा है, और इससे पहले दिया गया है क्या है, कई। तो ये क्या है, विशेषण। लेकिन और कौन सा विशेषण, दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं जिसके बारे में संख्यावाचक विशेषण। लेकिन यहां पर ये जो संज्ञा जो दी गई है, इस संज्ञा की कहने का अभिप्राय ये है कि संख्या जो है वो क्या है, निश्चित नहीं है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कई जो शब्द है, जो एक विशेषण है, ये कौन सा है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ये था इसका दूसरा प्रकार। अब हम पहुंचते हैं इसके तीसरे प्रकार पर, जिसका नाम है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है नापतोल या फिर मात्रा, नापतोल या मात्रा। अब वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम उसकी नापतोल या मात्रा संबंधी विशेषता को प्रकट करने वाला जो विशेषण है वो विशेषण क्या कहलाता है, परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। इसके भी दो उपभेद होते हैं, इसके भी दो उपभेद होते हैं, पहला निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। इसमें भी क्या होता है कि संज्ञा जो सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम है उसकी जो मात्रा नापतोल जहां निश्चित हो वो इसका पहला भेद उपभेद होता है, जिसको कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक, और जहां पर संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा नापतोल अनिश्चित हो तो वो कहलाता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कि जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है, एक वाक्य लिखा हुआ है कि कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है। तो कपड़ा क्या चीज है, संज्ञा, और इससे पहले क्या लिखा हुआ है, 2 मीटर, क्या लिखा हुआ है, 2 मीटर। तो ये कपड़े का क्या है, नाप, कपड़े का क्या है, नाप। अब 2 संख्या क्या है, निश्चित, यानी नाप क्या है, निश्चित। तो 2 मीटर जो लिखा गया है ये परिमाणवाचक का पहला जो उपभेद है, निश्चित परिमाणवाचक, उसका उदाहरण है। उसके बाद में दूसरा जो दिया गया है अनिश्चित, उसका एक उदाहरण हम देखते हैं कि मोहन को थोड़ा सा दूध चाहिए, थोड़ा सा दूध चाहिए। दूध क्या है, संज्ञा, और इससे पहले लिखा हुआ है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा जो है उसमें दूध की जो मात्रा है वो मात्रा क्या है, निश्चित नहीं है। दूध की मात्रा क्या है, निश्चित नहीं है। तो ये परिमाणवाचक जो विशेषण है उसका दूसरा जो उपभेद है उसका एक उदाहरण है। अब हम पहुंचते हैं इसके चौथे भाग पर, चौथा जो प्रकार है जिसका नाम लिखा हुआ है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। अब देखिएगा कि कोई भी सर्वनाम, ध्यान से देखिएगा कि कोई भी सर्वनाम, कि जब सर्वनाम शब्द
किसी भी संज्ञा से पहले आकर, कि जब कोई भी सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसके लिए विशेषण का कार्य करे। क्या बोला हमने कि जब कोई भी सर्वनाम शब्द किसी सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आकर उसके लिए विशेषण का कार्य करे या उसकी विशेषता बताए तो वो क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे इसका एक एग्जाम उदाहरण हम देखते हैं कि यह पुस्तक मोहन की है, यह पुस्तक मोहन की है, तो पुस्तक से पहले क्या लिखा हुआ है? यह है। क्या लिखा हुआ है? यह है। तो यह जो है वो कौन सा शब्द है? सर्वनाम। कौन सा शब्द है? सर्वनाम। लेकिन पुस्तक क्या है? पुस्तक क्या है? संज्ञा। तो इस संज्ञा से पहले आकर उसके लिए कौन सा कार्य कर रहा है? विशेषण का। कौन सा कार्य कर रहा है? विशेषण का। तो यह जो है यह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है। तो ये तो थे इसके चार मुख्य भेद, पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक विशेषण। इसके अलावा हमने दो भेद और भी बताए हैं, व्यक्तिवाचक और भिन्नतावाचक। व्यक्तिवाचक और भिन्नतावाचक। व्यक्तिवाचक जो विशेषण है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से, इससे व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनने वाले विशेषण जो हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। कि जैसे ये लिखा हुआ है भारत एक देश, हमारे देश का नाम है, तो इससे बन गया, क्या बन गया बच्चों? भारतीय। क्या बन गया? भारतीय। तो भारतीय जो है वो विशेषण कौन सा है? व्यक्तिवाचक विशेषण। और उसके बाद में नंबर 6 भिन्नतावाचक। कौन सा? भिन्नता वाचक। संज्ञा या सर्वनाम की भिन्नता संबंधी विशेषता को प्रकट करने वाला विशेषण जो है वो कहलाता है भिन्नतावाचक विशेषण। क्या कहलाता है? भिन्नतावाचक विशेषण। हम एक छठा जो दिया गया है इसका भेद, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? कि कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी, कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी अनुशासन प्रिय है। क्या लिखा हुआ है? कि कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी अनुशासन प्रिय है। अब विद्यार्थी क्या है? संज्ञा। और इससे पहले क्या दिया हुआ है? प्रत्येक। क्या दिया हुआ है? प्रत्येक। तो ये प्रत्येक जो है वो क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की भिन्नता को प्रकट कर रहा है, इसलिए ये किसका उदाहरण हुआ? भिन्नतावाचक विशेषण का। तो दोबारा से फिर देखिएगा कि विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता, और जो शब्द किसी वाक्य में दी गई संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। और जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है, कि जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य। विशेषण और विशेष्य में दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। विशेषण के मुख्य जो चार प्रकार होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, इन चारों के अलावा दो अन्य भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक और भिन्नतावाचक। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।